हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कहीं पर भी थोड़ी से भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोगों को इस वीडियो में से बहुत सारा अपडेट देखने को मिलेगा, तो कहीं पर भी स्किप मत करना इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे मई एंड जून मंथ की इलाइट पास की बंडल के बारे में। एकदम कन्फर्म मैं आप लोगों को बंडल बता दूंगा, 100% कन्फर्मली वही बंडल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। के साथ और भी क्या क्या रिवॉर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा मेन जून इलाइट पास में, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसी के साथ आप लोगों को ओबी 27 अपडेट के बाद दो न्यू इनक्यूबेटर देखने को मिलने वाले, एक गन स्किन के इनक्यूबेटर और एक बंडल के इनक्यूबेटर, जो बहुत ही खास होने वाले एंड बहुत ही यूनिक इनक्यूबेटर है। तो जो बंडल के इनक्यूबेटर हो ना, वो आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो बस जस्ट लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत सारे न्यू अपडेट आप लोगों को देने वाले। और उसी के साथ आप लोगों को 3 न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो क्या क्या आप लोगों को कैरेक्टर देखने को मिलेगा मैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो मई मंथ की इलाइट पास का बंडल और उसी के साथ जून मंथ की इलाइट पास का बंडल। तो फ्रेंड्स, कौन सा बंडल आप लोगों को मई मंथ में देखने को मिलेगा और कौन सा बंडल आप लोगों को जून मंथ में देखने को मिलेगा, मैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा। और फ्रेंड्स, उसके साथ आप लोग एक बंडल देख सकते हो, आप लोगों को जोकर के थीम के ऊपर बेस्ट है। तो बस आप लोगों को एक इलाइट पास जोकर के थीम के ऊपर बेस्ट होने वाला है। तो बस वो कौन सा इलाइट पास है मैं ये भी आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूं। उसी के साथ उसमें और भी क्या क्या रिवॉर्ड देखने को मिलेगा मैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा, तो बस जस्ट वीडियो को देखते रहो। तो उसी के साथ और भी बहुत सारा अपडेट है, मैं आप लोगों को फर्स्ट बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देख सकते हो और एक न्यू कैरेक्टर जो आप लोगों को ओबी 27 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला है। तो बस इस कैरेक्टर को देख करके आप लोगों को किसी का याद आ रहा है, याद आ रहा है नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। तो जो सोचे वही बताना। अगर आप सोच रहे हो कि एंड्रू कैरेक्टर जैसा लग रहा है तो बस आप लोग 100% सही सोच रहे हो। तो बस ओबी 27 अपडेट के बाद आप लोगों को इलाइट एंड्रू कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, जैसा हमारे इलाइट मोको देखने को मिला था, वैसे आप लोगों को इलाइट एंड्रू कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो बस इसका एबिलिटी क्या होने वाला है अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। जैसे ही मुझे एबिलिटी के बारे में पता चलेगा मैं आप लोगों को सबसे फास्ट डिटेल्स में बता दूंगा इन सारे के सारे कैरेक्टर के एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे इलाइट कैरेक्टर। तो इसे छोड़कर आप लोगों को और भी दो न्यू कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। तो बस उसमें से एक होगा फीमेल कैरेक्टर और एक देखने को मिलेगा मेल वाला कैरेक्टर। तो बस अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा और न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को और दो न्यू कैरेक्टर देखने को मिल जाए। तो बस लेफ्ट साइड में आप लोगों को फीमेल वाला कैरेक्टर देखने को मिल जाए और राइट साइड में आप लोगों को मेल वाला कैरेक्टर देखने को मिल जाए। तो बस आप लोग अभी पूछोगे इसका नाम नहीं बताओगे, तो फ्रेंड्स जो अभी पता चल रहा है जो फीमेल वाला कैरेक्टर उसका नाम होने वाला है एक्सेनिया और जो राइट साइड में जो मेल वाला कैरेक्टर देख रहे हो उसका नाम होने वाला है गेमर मोनी। लेकिन फ्रेंड्स, नाम चेंजेस हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो अभी जो नाम देखने को मिलता है ना गेम के आने के बाद उसका नाम चेंज हो जाती है। तो हो सकता है कि इसका नाम भी चेंज हो जाए और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोगों जो फीमेल वाला कैरेक्टर है उसका नाम वही रह सकता है, क्योंकि आप लोगों ज़ेनिया जो नाम है ना वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेल वाला कैरेक्टर गेमर मोनी, तो वो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है और उसका नाम भी देख सकते हो वो कुछ कैरेक्टर का भी उतना ज्यादा कोई खास नाम नहीं होता है। तो हो सकता है उसका नाम चेंजेस हो जाए, लेकिन फिर आप लोगों के दो न्यू कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा हमारे ओबी 27 अपडेट के बाद। तो इन सारे कैरेक्टर का एबिलिटी अभी भी कंफर्म कुछ नहीं पता चला है, तो मुझे जैसे ही पता लग जाएगा मैं आप लोगों को सबसे फास्ट बता दूंगा इन सारे कैरेक्टर का एबिलिटी क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को कुछ गन स्किन देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस गन स्किन को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा गन की स्किन है? तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों के दिमाग में अभी कौन सा गन का ख्याल आ रहा है। तो कोई गलती से MP40 मत बोल देना, क्योंकि MP40 का नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये होने वाला है UMP का इनक्यूबेटर। तो आप लोग देख ही सकते हो आप लोगों को 4 न्यू कलर देखने को मिल रहे और ये इनक्यूबेटर में आने वाला है ओबी 27 अपडेट के बाद। तो एक बहुत ही खास इनक्यूबेटर होने वाला है UMP का। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे कभी भी UMP का इनक्यूबेटर हमारे गेम पर नहीं आया था, तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम UMP का इनक्यूबेटर देखने को मिल जाएगा हमारे गेम पर। तो आप लोग अभी सोच रहे हो ये तो गन स्किन का इनक्यूबेटर के बारे में बता दिया, लेकिन क्या ये बंडल का इनक्यूबेटर के बारे में नहीं बताएगा? तो फिर आप लोगों ने एकदम से सही सोच रहे हो, मैं आप लोग अभी बंडल का इनक्यूबेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही खास इनक्यूबेटर होने वाले एंड बहुत ही यूनिक इनक्यूबेटर होने वाला है। तो उस टाइप का इनक्यूबेटर हमारे गेम पर अभी तक नहीं आया है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा यूनिक टाइप का बंडल यहाँ पर 4 देखने को मिल जाए। और फिर ये होने वाले हमारे बंडल का इनक्यूबेटर ओबी 27
अपडेट के बाद। तो ये मुझे बहुत ही खास एंड बहुत ही यूनिक बंडल लगा था। इस टाइप का बंडल का इनक्यूबेटर अभी तक हमारे गेम पर नहीं आया। तो पूरा का पूरा डिफरेंट टाइप का डिजाइन किया गया है इस बंडल को, आप लोग सारे के सारे बंडल देख सकते। और ये जब इनक्यूबेटर में आएगा ना, तो इसमें और भी ज्यादा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इनक्यूबेटर का जो भी बंडल होता है उसमें बहुत ही ज्यादा एनिमेशन देखने को मिलता है। तो जब इसमें एनिमेशन देखने को मिलेगा ना, तो बहुत ही और भी खास देखने को मिलेगा। तो बस आपको क्या लगता है इस इनक्यूबेटर के बारे में, तो आप लोगों को इस इनक्यूबेटर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता देना। और ये बंडल अगर इनक्यूबेटर में आता है तो आपको क्या लगता है बेस्ट इनक्यूबेटर क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को 3 न्यू कैरेक्टर के बारे में बता दिया, उसी के साथ आप लोगों में गान के इनक्यूबेटर के बारे में बता दिया, बंडल के इनक्यूबेटर के बारे में बता दिया, जो आप लोगों को ओबी 27 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इलाइट पास के बारे में, जो आप लोगों को मई एंड जून मंथ के देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को 4 न्यू बैकपैक देखने को मिल रहे हैं। और फिर नीचे जो आप लोगों को 2 बैकपैक देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें आप लोग देख सकते हो जोकर के थीम पे ऊपर बेस्ट है। और फ्रेंड्स, ये 2 बैकपैक आप लोगों को हमारे मई मंथ के इलाइट पास में देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट वाला जो बैकपैक है आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, फ्री पास में। और दूसरे वाला आप लोगों को मई मंथ के इलाइट पास के अंदर देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को इलाइट पास लेने के बाद ले सकते हो। तो बहुत ही खास बैकपैक होने वाला है। तो इस बैकपैक का चांस है कि हमारे मई मंथ पे इलाइट पास में देखने को मिल जाए। और फिर इस रिवॉर्ड में चेंजेस भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है छोटे छोटे रिवॉर्ड होते हैं, इसमें थोड़ी सी भी चेंजेस भी हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग जो बंडल में बता रहा हूँ ना, वो आप लोगों को कन्फर्म देखने को मिल जाएगा हमारे मई एंड जून मंथ के इलाइट पास में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बंडल के बारे में लास्ट में अच्छे से बता दूंगा। फ्रेंड्स, उसी के साथ आप लोग यहाँ पर से बहुत सारे लूट बॉक्स देखने को मिल रहे। तो बस इन लूट बॉक्स से आप लोगों को 2 लूट बॉक्स, एक आप लोगों को मई मंथ के इलाइट पास में देखने को मिलेगा और एक जून मंथ के इलाइट पास में देखने को मिल सकता है। तो जो जोकर के ऊपर थीम पर बेस्ट है वो आप लोगों को मई मंथ के इलाइट पास में देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को कौन सा लूट बॉक्स बेस्ट लग रहा है कमेंट करके जरूर बता देना। और जो बाकी लूट बॉक्स है वो आप लोगों किसी ओएबी इवेंट या कोई और इवेंट में देखने को मिल जाएगा ओबी 27 अपडेट के बाद। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को बहुत सारे न्यू सार्टबोर्ड देखने को मिल जाए। तो इसमें से 2 सार्टबोर्ड आप लोगों को एक मई मंथ के इलाइट पास में देखने को मिल सकते हैं और आप लोग एक जून मंथ के इलाइट पास में देखने को मिल सकता है। और मई मंथ के इलाइट पास में जो सार्टबोर्ड देखने को आपको मिलेगा वो आपको जोकर के थीम पे ऊपर बेस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे मई मंथ के जो इलाइट पास है ना वो जोकर के थीम पे ऊपर बेस्ट होने वाला है। और बाकी के जो सार्टबोर्ड देखने को मिल जाए वो आप लोगों को किसी इवेंट में देखने को मिल जाएगा ओबी 27 अपडेट के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 2 न्यू मॉन्स्टर ट्रक की स्किन देखने को मिल रही है, ब्लू वाले कार के 3 स्किन देखने को मिल रहा है, उसके साथ 2 बाइक की स्किन देखने को मिल रही है और एक लैम्बर्गिनी की स्किन देखने को मिल रहा है। तो जो बोला जा रहा है इसमें से जो मॉन्स्टर ट्रक की स्किन और जो ब्लू वाला कार की स्किन है ना, इन दोनों में से कोई भी 2 आप लोगों को एक मई मंथ की इलाइट पास में, जून मंथ की इलाइट पास में से कोई भी एक इलाइट पास में देखने को मिल सकता है। और जो लैम्बर्गिनी का स्किन है वो आप लोगों को किसी टॉप अप इवेंट में देखने को मिल सकता है ओबी 27 अपडेट के बाद। और बाकी का जो कार की स्किन है वो आप लोगों को किसी इवेंट में देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मेन बंडल के बारे में। तो कौन सा बंडल आप लोगों को मई मंथ की इलाइट पास में देखने को मिलेगा, कौन सा बंडल आप लोगों को जून मंथ के इलाइट पास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग इस ब्लू एंड व्हाइट कलर के ये वाला बंडल देख सकते हो। तो बस ये वाला बंडल आप लोगों को जून मंथ के इलाइट पास में देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बंडल को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खास इलाइट पास होने वाला है। तो बस आप लोगों को ये दोनों बंडल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। और फ्रेंड्स, जो लीक निकल के आ रहे कि यही दोनों बंडल ही आप लोगों को जून मंथ के इलाइट पास में देखने को मिलेगा, और तो अगर फ्री फायर कोई चेंजेस ना कर दे तो यही दोनों बंडल आप लोगों को जून मंथ के इलाइट पास में देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग सोच रहे हो मई मंथ की इलाइट पास कहां पर गया, तो बस अभी मैं आप लोगों को मई मंथ की इलाइट पास का भी बंडल दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारे मई मंथ के इलाइट पास का बंडल, जो देखने में बहुत ही खास लग रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के दोनों बंडल कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता देना। तो फ्रेंड्स, जो लीक निकल के आ रही है कि आप लोग को यही दोनों बंडल हमारे मई मंथ के इलाइट पास में देखने को मिल जाएगा, और ये जो इलाइट पास है ना, ये इलाइट पास जोकर के थीम के ऊपर बेस्ट होने वाले है। तो फ्रेंड्स, मई मंथ के इलाइट पास बहुत ही खास होने वाले है। तो आप लोगों को ये 2 बंडल कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता देना। तो आप लोगों को कौन सा इलाइट पास बेस्ट लग रहा है, मई मंथ के इलाइट पास या जून मंथ के इलाइट पास, कमेंट करके जरूर बता। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल क्या आने वाले वो जानना चाहते हो, या हमारे ओबी 27 अपडेट के बाद कौन सा डायमंड रॉयल में बंडल देखने को मिलेगा ये जानना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बता देना। मैं बहुत जल्द उस वीडियो को भी लाने वाला हूं कि हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल क्या होने वाला है। एंड ओबी 27 अपडेट के बाद आप लोगों को बहुत सारे न्यू बंडल देखने को मिलेगा, उसमें से कौन सा आप लोगों को डायमंड रॉयल में देखने को मिलेगा, कौन सा डायनामिक डो में देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया अपडेट है। तो कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग क्या सारे अपडेट जानना चाहते हो। आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फ्री फायर के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड इंटरेस्टिंग अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा।